अब एक सवाल है अपने पास, नदिया के पार से सवाल आया है। अब ये कौन सी नदिया है, ये शायद कभी इन्होंने अपना असली नाम भी बताया था, अभी ध्यान से उतर रहा है मेरे, सागर नाम है शायद इनका जी। तो ये पूछ रहे हैं कि अपार इंडस्ट्रीज में इस लेवल पर क्या खरीदारी करनी चाहिए, अगर ये स्तर ठीक नहीं है तो फिर नीचे कोई लेवल और अच्छा रहेगा जहाँ पे खरीदना ठीक होगा, अपार इंडस्ट्रीज। अभी बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है, इसलिए रनवे रैली में तो मुझे नहीं लगता कि खरीदने की कोशिश भी करनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये कि बाय डिप्स में जब तक आप ये 1880 वाला बॉटम नहीं टूटता है ना, 1890 1880 वाला, तब तक बाय डिप्स का तो स्टॉक बना रहेगा जहाँ तक अभी देख के लगता है। तो मे भी उसको थोड़ा सा मार्जिन दे सकते हैं 1860 का, दैट्स ऑल, उससे ज्यादा नहीं। बाय डिप्स का कैंडिडेट बन सकता है, कभी भी कूलिंग हो सकती है इसमें, बिकॉज ओवरबॉट है और पुल अप होने के चांसेस हैं, लेकिन 1860 के नीचे ये स्ट्रक्चर फिर क्वेश्चनेबल हो जाएगा। जी, लेकिन ऐसा शेयर जो लगभग 550 के आसपास से चढ़ के सीधे लगभग 1900 के आसपास तक चला गया, और अभी ये 2400 के आसपास तक जा करके वहाँ से ये मतलब 2300 पर ही है, लगभग अपने टॉप पर ही है, इतनी तेज चाल जिसकी हो चुकी हो कुछ समय के अंदर ही, उसमें क्या हाथ लगाना ठीक है या बाजार में इससे बेहतर मौके देखने चाहिए? जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो देखूंगा भी नहीं, क्योंकि अननेसेसरी पैल्पिटेशन के लिए कौन जाएगा ये खरीदारी करने। लेकिन इन्होंने पूछा क्या कर सकते हैं, तो उस हिसाब से एक ट्रेड ये कर सकते हैं, अदरवाइज इतने भागे हुए शेयर में जाके कुछ भी नहीं करना चाहिए। आराम से इसको पुल अप होके कंसोलिडेट होना चाहिए, कहीं बॉटम बनाएगा फिर व्यू ले सकते हैं। जी,